नमस्कार, सुधा रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ली पटाटो, तो चलो आइए बनाते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ली पटाटो। इसके लिए मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं, ये लंबी साइज में काट लिए हैं, और 1 प्याज ली है, शिमला मिर्च ली है, इनको भी मैंने बारीक बारीक लंबी साइज में काट लिया है, और सेजवान चटनी लिया है इस चिल्ली पटाटो में डालने के लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसको मैंने बारीक पीस लिया है, और ये अरारोट डालने के लिए लिया है, और ये कलर लिया है इसमें चिल्ली पटाटो में थोड़ा सा डालने के लिए ऑरेंज कलर। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं ये मेरे तेज आंच पर हमें इनको आलूओं को फ्राई करना है, बाद में हम इसको धीमा कर लेंगे, ये तेज आंच पर ही कर लेंगे। ये हमारे आलू थोड़े हल्के से गल जाएंगे तो हम इसको हल्का सा गैस धीमी कर देंगे। ये देखिए मैंने आलू तलने के लिए डाल दिए हैं, जब तक ये अच्छी क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम तलते रहेंगे इनको, और अब हम इनको पलटा मार देते हैं, थोड़ा अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे तभी इनको निकाल लेंगे। ये देखिए मेरे आलू अच्छी तरह से पक गए हैं, देखिए बड़े ही करारे और क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, और ये मैंने तेज आंच पर पकाए हैं, क्योंकि धीमी आंच पे मैं मंदी भी धीरी भी करती गई थी या तेज भी करती गई थी, तो ये मेरे अच्छे करारे क्रिस्पी बन गए। ये देखिए अब मैं दूसरे आलू भी डाल लेती हूँ, ये बाकी के बचे आलूओं को भी डाल देती हूँ। ये मेरे ये भी पक जाएंगे, अच्छे तेज आंच पर अच्छे क्रिस्पी होते हैं, धीमी आंच पे थोड़ा सा देर लगती है बहुत। ये भी मैंने डाल दिया, अब ये थोड़ी देर बाद में इनको, ये मैंने सारे ही डाल दिए, अब मैं इनको थोड़ी देर में इनको पलटा करूँगी, एकदम नहीं करूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा पकते हैं ना, थोड़ी देर बाद करना चाहिए, 2 मिनट बाद कर दो। मेरे ये भी अच्छी तरह से करारे करारे हो गए हैं, अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे करारे और क्रिंची क्रिस्पी हो गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए अब हमारा ये इसका तेल इसका अच्छे तरह से इसमें से निकल जाएगा, अब हम इसको इसमें पलट लेते हैं। ये देखिए अब हमारे ये आलू तलकर तैयार हो गए हैं, मैं आगे की तैयारी कर लेती हूँ। ये चिल्ली पटाटो बनाने के लिए ये मैंने तेल डाल दिया है, अब मैं इसमें प्याज और ये शिमला मिर्च भून लेती हूँ। ये देखिए और ये हमारी भुन जाएगी, थोड़ी भुन जाएगी, फिर मैं इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, ये देखिए हमारी थोड़ी सी हल्की सी सुनहरापन आ जाएगा, फिर मैं इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। ये देखिए अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ, और इसको अच्छी तरह से पका लेती हूँ, तो थोड़ी 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 ये पक जाएगी, फिर और चीज़ें मैं इसमें आलू वालू जो गलते हैं सभी डालूंगी। ये देखिए हमारी ये शिमला मिर्च और ये प्याज पक गई है, अब इसमें मैं सेजवान चटनी डाल देती हूँ, और इसमें थोड़ा सा ये सिरका, थोड़ा सा सिरका भी डाल देती हूँ, अब इसको अच्छे से चला देती हूँ। हमने अच्छे से मिला लिया है इसको, अब मैं इसमें ये आलू तले हुए आलू भी डाल देती हूँ। ये देखिए दो चमचे से चलानी पड़ेगी,
ये देखिए अब ये हमने अच्छे से इसको मिला लिया है। अब हमारे ये चिली पटाटो बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको मैं एक प्लेट में सर्व कर देती हूँ। ये देखिए अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ अच्छे से, इसमें प्लेट में अच्छे से डाल लेती हूँ। देखिए हमारे चिली पटाटो बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़े से तिल डाल देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए हमारे चिली पटाटो बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और चटाकेदार बने हैं। अपने बच्चों को खिलाइए और दूसरों को भी खिलाइए, और जब भी चाइनीज़ खाने का मन हो तो अपने घर पर ही बनाकर खिलाइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।